आपके थर्ड यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जितने भी सारे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, इसके अलावा जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो उन सबका कंजर्वेशन जो होता है एक सही इकोसिस्टम के कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, तो और उसके बाद में जो आने वाली जनरेशन्स होगी वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उनका एक प्रॉपर वे के अंदर कंजर्वेशन करें। एक साइंटिस्ट थे रेमंड के अनुसार उन्होंने बताया था कि हम किस तरह से कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए हम इकोसिस्टम के सारे रूल्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब कि इकोसिस्टम को बिना किसी नुकसान पहुंचाए अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की कंटिन्यूटी को बनाए और रखते हुए अगर हम उनका सही ढंग से अगर यूटिलाइज़ करते हैं और उनको कंजर्व करते हैं, तो उससे क्या होगा कि इकोसिस्टम जो होगा एक बैलेंसिंग तौर के ऊपर चलेगा। ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका सही यूटिलिटी, ठीक है, या फिर हम उनको बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट अगर उनका प्रॉपर वे में होगा तो फिर क्या होगा, वो ख़त्म नहीं होंगे, इकोसिस्टम जो होगा वो सही से चलेगा। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेज, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। पहला आता है रिन्यूएबल और दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, एक होता है फॉरेस्ट और दूसरी होती है वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल जिसको हम बोल सकते हैं, या वाइल्ड लाइफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट की या उनके कंजर्वेशन की। तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, हम सबको भी पता है फॉरेस्ट हमारे लिए कितना यूज़फुल होते हैं, तो उनका कंजर्वेशन एक प्रॉपर वे के अंदर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे सोशल फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं या सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो होते हैं वो इसके लिए चलाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसकी वजह से क्या होता है कि पेड़ों को हम कट करें वगैरह, इनको कम किया जा सके वगैरह, ये सारे के सारे हम इसके लिए चलाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम जो होते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जो वाइल्ड लाइफ होता है मैनेजमेंट, तो उसके लिए हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए क्या करना होता है कि वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल आते हैं, तो उनके लिए हमें एनिमल्स के रिक्वायरमेंट को देखना होता है, जिसके अंदर हम उनकी हैबिटेट रिक्वायरमेंट को देखते हैं, इसके अलावा उनकी फूड रिक्वायरमेंट को देखते हैं, उनके रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन वो कर पाते या नहीं कर पाते उसको देखते हैं हम, रिप्रोडक्शन के अलावा उनकी जो पॉपुलेशन साइज जो होती है, उनकी रेंज जो होती है वो किस रेंज तक वो सर्वाइव कर सकते हैं वो देखते हैं हम, इसके अलावा उनका जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ में इंटर रिलेशनशिप जो होता है, इन सारी चीज़ों का वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के लिए हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हैबिटेट, फूड, रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन साइज, रेज, इंटर रिलेशनशिप, इन सारी बातों का ध्यान हमें रखना होता है, ठीक है। तो इनके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1952 के अंदर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले 1952 के अंदर IBW जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ठीक है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट की और लोगों का ध्यान लाया था। उसके बाद में 1970 के अंदर IUCN जो था, IUCN इंटरनेशनल यूनियन,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज सबसे पहले IBW इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952 में इन्होंने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में शुरुआत की थी कि वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट ज़रूरी है। उसके बाद में 1970 के अंदर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन्होंने क्या किया था, वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के बारे में बताया था। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो हंटिंग होती है एनिमल का, जो शिकार होता है, उसके ऊपर पूरी तरह से लीगली रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, कानूनी प्रतिबंध इनके लिए लगा दिया था। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के सुधार के लिए उनके लिए उनके जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं उनके अंदर भी है ना इन्होंने बढ़ाया था, उनको प्राकृतिक आवास जो थे इनके नेचुरल हैबिटेट उनको है ना सुधारा था, उनको बढ़ावा देने में हेल्प की थी। उसके बाद में ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। उसके बाद में हमारे कंट्री के अंदर भी क्या करते हैं, 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, वन्य सप्ताह मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह, जिसके अंदर लोगों को अवेयर किया जाता है कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, और अगर वाइल्ड लाइफ जो है अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया तो आने वाले टाइम के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो लॉस्ट हो सकती है। वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में, और लोगों को अवेयर किया जाता है कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। जब IUCN ने और IBW ने और जब वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के बारे में बताया तो वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर किया जाता है। कितनी कैटेगरी में किया जाता है, 3 कैटेगरी में। फर्स्ट आता है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। सेकेंड आता है सेंचुरीज, और थर्ड आता है बायोस्फीयर रिजर्व। थर्ड क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब ये 3 जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए, फर्स्ट नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, इस किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के लिए। तो जो नेशनल पार्क जो होते हैं तो इनके अंदर डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस क्या होता है कि जो नेशनल पार्क होते हैं ये नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंचुरीज जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल हो सकती है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, या चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व को ऑर्गेनाइज कर सकता है। नेशनल पार्क जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज होती है, और सेंचुरीज जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि मोस्ट ऑफ दी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है। वाइल्ड एनिमल का जो कंजर्वेशन होता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर जो नेचर होता है, नेचर इन द सेंस कि मतलब कोई पर्टिकुलर जगह पर, जैसे जिसके अंदर प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, प्लांट्स एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं दोनों को कंजर्व किया जाता है प्रॉपर वे के अंदर। तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, सेंचुरीज के अंदर। और अगर थर्ड हम जब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो हम किसी रीजन का पर्टिकुलर इकोसिस्टम जो होता है, जब हम उस पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो तीनों में डिफरेंस है, नेशनल पार्क के अंदर मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल को कंजर्व करते हैं, सेंचुरीज के अंदर प्लांट्स को भी एज वेल एज वाइल्ड एनिमल के साथ कंजर्व करते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होल इकोसिस्टम को हम कंजर्व करते हैं। अगर हम इनके एरिया की अगर बात करें तो एरिया जो होता है इनका 0.04 से लेकर के ये 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है, 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 0.61 से लेकर के 7000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। और अगर हम
बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता 5000 से लगा करके, और इससे 5000 से लगा करके ये 10000 15000 जितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन 5000 से नीचे के जो एरिया होते हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो नेशनल पार्क का एरिया 0.4 किलोमीटर से लगाकर 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। सेंचुरीज का एरिया 0.6 किलोमीटर से लगाकर 7000 किलोमीटर तक हो सकता है, और 5000 से ऊपर के जो एरियाज होते हैं वो एरिया किस में इंक्लूड होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब अगर हम इनके अंदर नेक्स्ट अगर इनकी बात करें तो नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल पार्क के अंदर जो टूरिज्म होता है, टूरिज्म को परमिशन मिल सकती है, टूरिज्म जो होता है वो वहाँ पर एंटर कर सकता है। ठीक है, जो सेंचुरीज होती है वहाँ पर भी टूरिज्म जो होता है वो एंटर कर सकता है, वो वहाँ पर जा सकता है, देख सकता है एनिमल्स को, प्लांट्स को वगैरह को देख सकता है, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहाँ पर टूरिज्म की जो एंट्रीज जो होती है वो वहाँ पर नहीं हो पाती है, टूरिज्म को वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं होती है। नेशनल पार्क के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च वाली जो अगर है ना हम बोल सकते हैं लेबोरेटरी वगैरह जो होती है वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वर्क जो होता है या रिसर्च वर्क जो होता है वो वहाँ पर नहीं होता है। रिसर्च वर्क जो होता है वो नेशनल पार्क के अंदर नहीं होता है, सेंचुरीज के अंदर भी नहीं होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क जो होता है वो होता है। इसके अलावा एक और मेन चीज़ आती है कि जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क के अंदर जीन पूल जो होता है, जीन पूल जो होता है उसको परमिशन नहीं मिलती है, सेंचुरीज के अंदर भी नहीं मिलती है, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वहाँ पर स्पेशली फोकस किया जाता है जीन पूल के ऊपर। जीन पूल क्या होता है कि कोई भी एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर चाहे कोई भी प्लांट वगैरह ही क्यों ना है, तो उन प्लांट के जैसे अगर कोई रेयर केस वाला प्लांट जो होता है कि जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है या जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर, विलुप्त होने की कगार पर है, जिस जो खतरे में है, तो उनके जीन को लेकर के क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, उनके जीन को संरक्षित किया जाता है ताकि उसके जैसे बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो बढ़ा सके। तो वो जो काम होता है वो किसके अंदर होता है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होता है, सेंचुरीज और नेशनल पार्क के अंदर जीन पूल को वो कंजर्व करने का काम नहीं होता है। अब अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँ तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इसके एरिया को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे अंदर की तरफ इसके अंदर होता है कोर एरिया जो सबसे अंदर वाला होता है, उसके बाहर की तरफ होता है बफर एरिया, और सबसे बाहर वाला होता है वो होता है एक्सटर्नल एरिया। ठीक है, अब कोर एरिया जो होता है अगर हम उसको अगर डिफाइन करते हैं तो सपोज़ कि ये जैसे कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे उसके बाहर वाला एरिया एक्सटर्नल एरिया, ये इसके अंदर वाला ये वाला जो एरिया हो गया ये हो गया बफर एरिया, ये वाला कौन सा हो गया एक्सटर्नल, ये वाला हो गया बफर, और इसके अंदर की तरफ मेन जो रीज़न होगा वो रीज़न कौन सा होगा, ये हो गया कोर रीज़न। ठीक है, तो ये तीन तरह के इसके अंदर रीज़न पाए जाते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होता है कि जो तीन रीजन के अंदर इसको डिवाइड किया गया, तो जो एक्सटर्नल वाला जो एरिया होता है एक्सटर्नल वाले के अंदर ह्यूमन की एक्टिविटी जो होती है, ह्यूमन की एक्टिविटी वहाँ पर उसको परमिशन दी जाती है, जैसे कि क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है तो वहाँ आसपास रहने वाली जो पॉपुलेशन होती है उनको जैसे कल्टिवेशन है जो एक्सटर्नल एरिया, तो वहाँ पर क्या कल्टिवेशन के लिए उनको जो ग्रेजिंग होती है उनके एनिमल की उसके लिए, इसके अलावा उनको जो फ्यूल के रूप में जो वुड वगैरह की ज़रूरत होती है जैसे लकड़ियाँ वगैरह काटनी होती है तो उसके लिए उनको वहाँ पर, इसके लिए वहाँ, इसके अलावा उनको हैबिटेट की तरह एक तरह से मतलब उनको उनके हाउस वगैरह बनाने के लिए वहाँ पर परमिशन, उनको रहने के लिए वहाँ पर परमिशन मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व के एक्सटर्नल एरिया के अंदर। यहाँ पर क्या होती है ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो अलाउ होती है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एरिया के अंदर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेकेंड रीज़न की, बफर रीजन की अगर हम बात करेंगे तो बफर रीजन के अंदर ह्यूमन की एक्टिविटी जो होती है वो अलाउ नहीं होती है। बफर रीजन के अंदर ह्यूमन की एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर अलाउ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर अलाउ होती है, एक्सटर्नल एरिया के अंदर ह्यूमन की एक्टिविटी जो होती है वो अलाउ होती है। इसके अलावा ये कैसा होता है बफर जोन की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रिक्टली डेलिनेटेड होता है, डेलिनेटेड मतलब जहाँ पर स्पष्ट रूप से मनाही होती है
लोगों की आने जाने की, तो वो यहाँ पर नहीं होता है। फिर इसके अलावा अगर हम कोर एरिया की बात करते हैं, बफर एरिया के अंदर केवल और केवल क्या हो सकता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग के हिसाब से जो है ना पर्पस वगैरह जो हो सकता है, तो वो कहाँ पर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है। रिसर्च जो हम बात करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल वर्क जो होता है वो और रिसर्च वर्क जो होता है वो कहाँ पर हो सकता है, इस बफर एरिया के अंदर हो सकता है। जो कोर एरिया जो होता है, कोर एरिया के अंदर हर तरह से मनाही होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट जो होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं जो वहाँ पर उस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो लगाए गए होते हैं, केवल उन्हीं की ही एंट्री जो होती है वो कोर एरिया के अंदर होती है। इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है, टोटली मैनेजमेंट होता है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। मैनेजमेंट इन द सेंस कि वहाँ पर केवल कैमरे वगैरह लगाए हुए होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी आवाजाही जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि कोर एरिया जो होता है वो मेन होता है, जहाँ पर एनिमल्स वगैरह जो होते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना जो होता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है। एक्सटर्नल वाले में ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउ हो सकती है एक लिमिट तक, यहाँ पर भी ह्यूमन की एक्टिविटी जो होगी वो अलाउ तो होगी, लेकिन क्या होगी, लिमिटेड। ऐसा नहीं कि है ना वो लोग अंधाधुंध है ना लकड़ियाँ वगैरह काट के लेके जाए, पेड़ पौधों को नष्ट करे वगैरह, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। बफर जोन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च वर्क होता है, लेकिन ये भी कैसा होता है, रेगुलेटेड होता है, मतलब एक नियमित मात्रा के अंदर या फिर नियमित रूप से होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनको डिस्टर्ब करके वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क किया जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क होता है, लेकिन ये कैसा होता है, कम्प्लीटली रेगुलेटेड फॉर्म के अंदर होता है। और ऐसा होता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। और कोर एरिया जो होता है, कोर एरिया के अंदर किसी की भी आवाजाही जो होती है वो मनाही होती है, कोर एरिया के अंदर कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता है, ठीक है। वहाँ पर केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, अब इंडिया के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत सारी सेंचुरीज है, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एनिमल के लिए बनाए गए, वाइल्ड एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके जीन पूल के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए। तो अगर जैसे हम राजस्थान के अंदर बात करें तो अलवर के अंदर जो सरिस्का नेशनल पार्क है, अगर हम भरतपुर की बात करें तो गना पक्षी सेंचुरी जो है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे, अगर हम कुमलगढ़ नेशनल पार्क की बात करें, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, तो इस तरह से बहुत सारे नेशनल पार्क और बहुत सारे ये बायोस्फीयर सेंचुरीज वगैरह जो है वो बनाई गई है। अगर हम सबसे पहली बात करें, अगर फर्स्ट जो नेशनल पार्क जो इस्टेब्लिश हुआ था तो वो हुआ था उत्तराखंड के अंदर, और उसका नाम था जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, उत्तराखंड के अंदर उसको बनाया गया था, ठीक है। थैंक यू।